good morning student today we are going to learn about prime and composite numbers first let's see what are a prime number so this is a definition of prime number number which have only two factors that is number one and number itself are called prime numbers what are the example two okay so टू के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो अपने खुद के टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है और किसी टेबल में टू आता है नहीं आता है जैसे वन के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं और टू वनजा टू फिर टू किसी के भी टेबल में नहीं आता है लाइक दैट थ्री अल्सो थ्री वन के टेबल में आता है और फिर उसके खुद के नंबर इट्स सेल्फ मीन्स उसके खुद के टेबल में आता है और किसी के नंबर में नहीं आता टेबल में नहीं आता है लाइक दैट फाइव आल्सो सेवन आल्सो इलेवन आल्सो थर्टीन आल्सो एंड सेवेंटीन एंड मच मोर दैट ओके स्टूडेंट सो प्राइम नंबर इज वॉट जो नंबर खुद के टेबल में आता है और वन वन के टेबल में आता है दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स then next is a uh, what are composite number numbers number which have more than two factors are called composite numbers means जिसके एक दो से ज्यादा फैक्टर हो दो फैक्टर होते उसको तो प्राइम नंबर बोलते अभी दो से ज्यादा होंगे उसको क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स सो what आर द examples फोर लाइक फोर के फैक्टर्स क्या हुए नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर एच सी एफ यू आपको फैक्टर्स फास्ट फास्ट बोलना आना चाहिए क्योंकि आपको बस क्या याद करना है कि ये कौन से कौन से टेबल में आता है सो यू नो द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर नाउ अब एटलीस्ट अप टू ट्वेल्व नंबर ओके सो वॉट आर द फैक्टर ऑफ ट्वेल्व सॉरी फोर वन वन इज कंपल्सरी वन फोर जा फोर देन टू टू जा फोर एंड वन फोर वन जा फोर सो उसके कितने फैक्टर हो गए थ्री हो गए एक तो वन हो गया टू एंड देन फोर इट क्योंकि कोई भी नंबर खुद के टेबल में तो आता ही है वन के टेबल में भी आता है और वन के एंड नंबर इट सेल्व छोड़ के फोर किसके टेबल में आता है टू के टेबल में आता है ओके सो इट इज अ कंपोजिट नंबर देन नेक्स्ट इज अस वन वन के टेबल में आता है देन सिक्स वन जा सिक्स उसके खुद के टेबल में भी आता है और किसके टेबल में आता है टू थ्री जा सिक्स थ्री टू जा सिक्स यानी टू के टेबल में भी आता है और थ्री के टेबल में भी आता है ओके लाइक दैट एट ऑल्सो टेन ऑल्सो ट्वेल्व ऑल्सो दीज आर द एग्जाम्पल देन नेक्स्ट इज अट इज वन वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट एज इट हैज ओनली वन फैक्टर अभी वन किसी के टेबल में नहीं आता है इस वो ओनली उसके खुद के टेबल में आता है इसलिए वन इट इज अ यूनिक नंबर वन इज अ यूनिक नंबर ये आपको याद रखना है वन इज अ यूनिक नंबर ओके स्टूडेंट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से जैसे हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन देख ली अभी जिसके दो ही फैक्टर होते हैं वन और वो नंबर खुद नंबर इट्सेल्फ वन एंड नंबर इट्सेल्फ नाउ दिस इज अ प्राइम नंबर्स अप टू हंड्रेड ये हंड्रेड तक के प्राइम नंबर्स है नाउ सी हियर वन इज अनिक नंबर देन टू थ्री जिसको मैंने सर्कल किया है ये वो सारी कौन है प्राइम नंबर्स थ्री फाइव सेवन इलेवन इलेवन ऑल्सो किसी के टेबल में नहीं आता है थर्टीन सेवेंटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन थर्टी वन ओके स्टूडेंट सो दीज आर द प्राइम नंबर्स नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व हियर आपको इसमें क्या दिख रहा है अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वन तो यूनिक नंबर है बाकी सारे टू को छोड़ के सारे ऑड नंबर है थ्री ऑड है फाइव ऑड है सेवन ऑड है ऑल द नंबर्स आर ऑड ओनली एक्सेप्ट टू सो टू इज ओनली इवन इवन प्राइम नंबर and it is a first even prime numbers okay so this i will send in your classwork. work also you have to uh, uh, draw like this draw the table and write the prime numbers and in last you have to list the uh, list all the prime numbers and you have to learn this prime numbers so uh, you came to know which are the prime number and you have to remember it.